राजस्थान की जनता को बहुत फायदा मिला है। हाँ। और इसका फायदा अगर राजस्थान की जनता रिपीट में अगर तोहफा दे तो गहलोत को वापस लाके तोहफा दे, दिवाली का दोबारा तोहफा दे गहलोत को वापस रिपीट करें। भाजपा वादा कर रही है बहुत ढेर सारे कि हम आते ही, भाजपा वादे बहुत सारे कर रही है, दवाइयां फ्री है, इलाज फ्री है, सब फ्री है। अच्छा, जो और जो इससे पहले सरकार थी वो फ्री आपको नहीं दे रही? कहाँ दे रही थी, बताओ क्या दिया फ्री? हाँ बताओ। अभी तो वादा कर रहे हैं कि बनते ही साथ बहुत ढेर सारी स्कीमें लागू करेंगे। सरकार तो देखो वादे करती है मगर वादे निभाने वाली भी होनी चाहिए। हाँ। जैसे गहलोत ने वादे निभाए। हाँ। वादा तो करते रहते हैं लेकिन निभाते नहीं कोई, जो सामने दिखता है उसको ही बोलेंगे। अच्छा, सामने दिखता है वही बोलते हैं। अच्छा, वो क्या क्या फायदे आपको मिले इस सरकार से? जो आप सरकार मिलती है, अनाज भी मिलती है, हमें राशन भी मिलता है और कोई काम हो वो भी मिल, वो काम हो जाता। अच्छा, ये मिलते हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार? 10 में से 10 आएंगे। तो ये हमारे राजस्थान में क्या होने वाला है? सर राजस्थान में सर 70-30 का जैसा ही रहेगा। अच्छा, 70 कौन है? 70 कांग्रेस है, 30 का बीजेपी। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं ये जानना? इसके पीछे का कारण ये है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही काम कराया है कांग्रेस ने, है ना। और आप ये देखिए कि 25 लाख का बीमा चिरंजीवी का करवा चुकी है कांग्रेस। और इसके अलावा कई इसने अपने योजनाएं निकाली है जो इससे राजस्थान की जनता को बहुत फायदा मिला है। और इसका फायदा अगर राजस्थान की जनता रिपीट में अगर तोहफा दे तो गहलोत को वापस लाके तोहफा दे, दिवाली का दोबारा तोहफा दे गहलोत को वापस रिपीट करें। भाजपा वादा कर रही है बहुत ढेर सारे कि हम आते ही, भाजपा वादे बहुत सारे कर रहे हैं भाजपा। हाँ, आज तक सेंटर में पूरे नहीं हुए तो राज्य में क्या पूरे होंगे उससे। हाँ। ये तो, बात है। अच्छा, मोदी जी अभी रैली करने वाले आने वाले हैं यहाँ पे, इफेक्ट तो पड़ेगा, सर। 10 में से कितना नंबर देना चाहिए सर? 70-30 का रहता बता दिया, इसमें से आप डालो 7 नंबर। 7 भाई, और भी कुछ लोग से बात करते हैं, क्या लग रहा है भैया राजस्थान में क्या होने वाला है? क्या कांग्रेस रिपीट आ रही है? रिपीट आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान वालों को खूब उपहार दिए, योजनाएं दी है, राशन फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, इलाज फ्री है, सब फ्री है। अच्छा, क्यों? और जो इससे पहले सरकार थी वो फ्री आपको नहीं दे रही? कहाँ दे रही थी, बताओ क्या दिया फ्री? आप बताओ। अभी तो वादा कर रहे हैं कि बनते ही साथ बहुत ढेर सारी स्कीमें लागू करेंगे। सरकार तो देखो वादे करती है मगर वादे निभाने वाली भी होनी चाहिए। हाँ। जैसे गहलोत ने वादे निभाए। हाँ। अच्छा, और इस सरकार को 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से 10 देना चाहिए। 10 में से 10 ढेर सारी करने का, अगर वो एक बार मौका देखिए तो आपको। वादा तो करते रहते हैं लेकिन निभाते नहीं कोई, जो सामने दिखता है उसको ही बोलेंगे। अच्छा, सामने दिखता है वही बोलते हैं। अच्छा, वो क्या क्या फायदे आपको मिले इस सरकार से? जो आप सरकार मिलती है, अनाज भी मिलती है, हमें राशन भी मिलता है। अच्छा। और कोई काम हो वो भी मिल, वो काम हो जाता। अच्छा, ये सब चीजें आप लोग को मिलते हैं? मिलते हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सरकार? 10 में से 10 आएंगे। तो ये हमारे साथ जयपुर में, मैं यहाँ पे मौजूद था और लोग से एक चाय की दुकान पे मैं था, यहाँ पे चाय पीने लगा तो मुझे लगा कि यहाँ भी बात करना चाहिए। यहाँ पे बात किया, माहौल आप देख सकते हैं क्या है, आप बेहतर इस वीडियो से समझ सकते हैं। और भी लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है माहौल राजस्थान का। नमस्कार, मैं हूँ अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।